नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदरियाल। आज हम यहां मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं। इस फिल्म में मर्दानी गर्ल रानी मुखर्जी ने काम किया है। उनके साथ इस फिल्म में कई अन्य कलाकार अनिबन भट्टाचार्य, जिम सर्व और कैमियो के रूप में नीना गुप्ता ने भी काम किया है। जब इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया था तो फिल्म से कई उम्मीदें बनी हुई थी, लेकिन जब फिल्म देखी गई तो असल सच्चाई का पता लगा है। असीमा छब्बर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और इस फिल्म की पटकथा समीर सतीजा, राहुल हांडा और असीमा ने मिलकर लिखा है। निखिल आडवाणी के प्रोडक्शन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। वहीं फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है। ज़्यादा देर न करते हुए फिल्म के बारे में आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि ये फिल्म कैसी है। अगर एक लाइन में फिल्म के बारे में कहना हो तो सच में ये फिल्म अपने आप पर असर नहीं डालती हुई दिखाई दे रही है। एक इमोशनल सब्जेक्ट होने के बाद भी फिल्म इमोशनल करने में कामयाब नहीं है। एक माँ और उसके बच्चे को एक दूसरे से अलग करने की कहानी का विषय अपने आप में ही दर्शकों को संवेदना से भर सकता है, लेकिन पटकथा कमजोर होने के कारण ऐसा नहीं हुआ। एक अच्छे विषय की फिल्म आकर्षित करने में नाकामयाब रही। अब आपको बताते हैं फिल्म की कहानी क्या है। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो ट्रेलर देखकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि कहानी क्या है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कहानी देविका चटर्जी की है, जिन्हें मिसेस चटर्जी के नाम से जाना जाते हैं। देविका चटर्जी अपने पति के साथ नॉर्वे में अपने दो बच्चों के साथ रहती है, लेकिन तभी नॉर्वे की फास्टर केयर दोनों ही बच्चों को इनके पास से उठा ले जाती है। आपको बता दें कि नॉर्वे में जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उन्हें उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। एक घर में ही बच्चों को कैसे रखा जा रहा है, उनकी पढ़ाई कैसे दी जा रही है, कैसे उनको शिक्षा दी जा रही है, कैसे खाना दिया जा रहा है या किस माहौल में उनको रखा जा रहा है, ये इन सभी बातों का ख्याल रखा जाता है। अगर आप इन सभी बातों को नहीं मानते हैं तब चाइल्ड वेलफेयर वाले आप पर दबाव डालते हैं और आपको अपना बच्चा उन्हें सौंपना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ था सगारिका भट्टाचार्य और अनुरूप भट्टाचार्य के साथ, जिनके असल जिंदगी पर इन फिल्म की कहानी आधारित है। 2011 में इनकी बेटी ऐश्वर्या 1 साल के बेटे और अभिज्ञान की उम्र 3 साल थी। तब चाइल्ड फेयर वालों ने सगारिका पर आरोप लगाया था कि सगारिका ने अपने एक बच्चे को थप्पड़ मारा था, साथ ही इन बच्चों के पास जरूरत की चीज़ें भी मुहैया नहीं थी, जिसके बाद इन कपल पर चाइल्ड वेलफेयर वालों ने दबाव बनाकर बच्चे को फास्टर केयर में भेज दिया था और ये भी कहा था कि बच्चे के माता पिता 18 वर्ष पूरे होने पर ही अपने बच्चे से मिल सकते हैं, जिसके बाद कपल और चाइल्ड वेलफेयर के बीच कानूनी लड़ाई हुई। भारत सरकार ने भी इसमें मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद सगारिका को जंग अकेली लड़नी पड़ी और साल 2012 में उन्हें उनके बच्चे वापस मिल गए। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। देविका को अकेले कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसका परिवार और उसके पति उसके साथ खड़े नहीं होते हैं, उसे पागल करार दिया जाता है, लेकिन अंत में उसे जीत मिलती है। फिल्म की अच्छाई के बारे में बात करें तो फिल्म का म्यूजिक काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कुछ जगहों पर सीन ठीक तरह से लिए गए हैं, लेकिन बस एक दो सीन। इसके अलावा जिम सर आप पर पूरा असर छोड़कर जाते हैं। जिस तरह से वो अपने संवादों में इमोशनल डालते हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करते हैं कहानी में क्या दिक्कत है। कहानी की अच्छाई खत्म शुरुआत में ही बच्चों को उठाने वाले सीन से कहानी आपको बांधना चाहती है, लेकिन वो सीन ना ही आपको थ्रिल कर पाता है और ना ही आपको कहानी के वर्ल्ड में लेकर जाकर कहानी से जोड़ पाता है। उसी सीन को बेहद खराब तरीके से लिखा गया है और उतने ही खराब तरीके से इसको डायरेक्ट भी किया गया है। कहानी ज़्यादातर नॉर्वे के सिस्टम पर बात करती है, ऐसे में कहानी से दर्शकों के जुड़ने की उम्मीदें कम हो जाती है, क्योंकि हमारे भारत में इतनी कहानियाँ हैं तो वो तो नॉर्वे के सिस्टम को क्यों जानना चाहेंगे। बार बार नॉर्वे के सिस्टम की जिक्र से दर्शकों के उबने की संभावना बन जाती है। कहानी इमोशनल बिल्कुल नहीं करती है। एक माँ और उसके बच्चे के अलग होने की कहानी अगर इमोशनल ना करे तब तो इसका मतलब पटकथा में एक नहीं कई खामियां हैं। मुख्य बात तो ये लगता है कि इस फिल्म की कहानी तो कोई है ही नहीं, बल्कि सिर्फ सीन के आधार पर कहानी को तैयार किया गया है। आजकल अक्सर ऐसा होने लगा है, नए नवेले लेखकों के पास कहानी नहीं होती है, सिर्फ विषय होता है और कुछ ही सीन, और वो सीन्स के आधार पर ही फिल्म बना देते हैं, जबकि फिल्म बगैर कहानी के बन ही नहीं सकती। बेमतलब का फेमिनिज्म का एंगल फिल्म में डाला गया है, जैसे एक पत्नी को अपने बच्चों से प्यार है पति को नहीं, एक पत्नी को उसको पति छोड़ देता है और ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते हैं। इस फिल्म में ये दिमाग में रखकर कहानी बनानी नहीं चाहिए थी। पटकथा में कई लूप होल्स हैं। इस विषय पर बनी कहानी जब आपके दिल पर भर जानी चाहिए थी तब ये फिल्म आपका पूरा समय वेस्ट कर देती है। रानी मुखर्जी की भूमिका खास असर नहीं छोड़ पाती है। ओवरऑल आप इस फिल्म को अपनी मर्जी के मुताबिक देख सकते हैं, लेकिन फिल्म में आपको वो नहीं मिलेगा जो ट्रेलर में दिखाया गया था। मेरी तरफ से इस फिल्म को खराब पटकथा और डायरेक्शन के कारण 2 स्टार है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज रूम पोस्ट के साथ। नमस्कार।